डा के साम पे समय पर परिवर्तित हुआ था कि जिस बुजुर्ग की दंपत्ति की हस्बैंड वाइफ की आय 2 लाख से ज़्यादा है सालाना, उसको उस समय पेंशन नहीं दी जाती थी। परिवार पहचान पत्र के साथ हमने लिंक किया तो कई जगह परिवार की आय को उठा लिया गया, और उसके लिए रेक्टिफाई ओम प्रकाश जी ने भी कर दिया है, मैं भी कर देता हूँ कि किसी की भी पेंशन नहीं कटेगी। अगर किसी के इस तरह का ऑटोमेटेड एरर आता है तो अपने डिप्टी कमिश्नर को एफिडेविट दे कि उनके परिवार की आय उनके हस्बैंड वाइफ की आय, बुजुर्गों की आय 2 लाख से कम है, उसको वेरीफाई भी तुरंत कराया जाएगा और उसको दोबारा सुचारू रूप से चलाया जाएगा। डा के साम पे समय पर परिवर्तित हुआ था कि जिस बुजुर्ग की दंपत्ति की हस्बैंड वाइफ की आय 2 लाख से ज़्यादा है सालाना, उसको उस समय पेंशन नहीं दी जाती। परिवार पहचान पत्र के साथ हमने लिंक किया तो कई जगह परिवार की आय को उठा लिया गया, और उसके लिए रेक्टिफाई ओम प्रकाश जी ने भी कर दिया है, मैं भी कर देता हूँ कि किसी की भी पेंशन नहीं कटेगी। अगर किसी के इस तरह का ऑटोमेटेड एरर आता है तो अपने डिप्टी कमिश्नर को एफिडेविट दे कि उनके परिवार की आय उनके हस्बैंड वाइफ की आय, बुजुर्गों की आय 2 लाख से कम है, उसको वेरीफाई भी तुरंत कराया जाएगा और उसको दोबारा सुचारू रूप से चलाया जाएगा। पिछले 2 साल हरियाणा प्रदेश के आम कैसे बेहतर और कैसे समय पर सुविधा मिले इस पर काम किया और हर वर्ग को उसका लाभ चाहे हमारे कॉमन सर्विस सेंटर जो पहले 270 सुविधाएं मिलती थी उसको बढ़ाकर लगभग 600 के आसपास सुविधाएं हमने लाने का अब हमारा यही संकल्प है कि 2022 के अंदर CHC को भी और मॉडर्नाइज कैसे किया जाए और 500-600 के बीच में जो सुविधाएं उसको बढ़ाकर मेडिकल टेलीमेडिसिन है इस तरह की मॉडर्नाइज सुविधाएं भी हैं कॉमन सर्विस सेंटर। पिछले 2 साल हरियाणा प्रदेश के आम कैसे बेहतर और कैसे समय पर सुविधा मिले इस पर काम किया और हर वर्ग को उसका लाभ चाहे हमारे कॉमन सर्विस सेंटर जो पहले 270 सुविधाएं मिलती थी उसको बढ़ाकर लगभग 600 के आसपास सुविधाएं हमने लाने का अब हमारा यही संकल्प है कि 2022 के अंदर CHC को भी और मॉडर्नाइज कैसे किया जाए और 500-600 के बीच में जो सुविधाएं उसको बढ़ाकर मेडिकल टेलीमेडिसिन है इस तरह की मॉडर्नाइज सुविधाएं भी हैं कॉमन सर्विस सेंटर।